मोनोसैकेराइड्स, दूसरा डाइसैकेराइड्स और तीसरा जो है वो पॉलीसैकेराइड्स होता है। पॉलीसैकेराइड के अंदर स्टार्च आता है, मोनोसैकेराइड में माल्टोज शुगर, डेक्सट्रोज शुगर और फ्रक्टोज शुगर वगैरह शामिल है, जबकि डाइसैकेराइड मानो और मोनोसैकेराइड दो जो है वो मानो मिलकर एक डाइसैकेराइड बनते हैं, जैसे फ्रक्टोज और माल्टोज मिलकर। तो इस तरीके से हमारे जिस्म के अंदर ये तवानाई का एक बेहतरीन जरिया होता है, जिसमें जो एडीन ट्राइफॉस्फेट जिसको एटीपी कहते हैं फौरी तौर पर टूटकर हर सेल के अंदर जो है वो हमारे जिस्म को है, जो कि एडीनोसिन मोनोफॉस्फेट और एडीनोसिन डाइफॉस्फेट में तब्दील हो जाता है। एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये दोबारा बन जाता है इस तरीके से ग्लूकोज के टूटने से एडीनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनते हैं। जबकि ग्लूकोज जब जज्ब होती है हर सेल के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर तकरीबन 300 खरब ट्रिलियन सेल जो है वो हर वक्त मौजूद होते हैं, जो हर वक्त अपने ऑक्सीडेशन का अमल जो है वो जारी रखते हैं, जिसमें हर खुलिया मुकम्मल तौर पर मौजूद रखता है और हमारे जिस्म के अंदर जो है वो ताकत और तवानाई का बाइस बनता है। इंसानी जिस्म के अंदर एक बहुत जबरदस्त किस्म का निज़ाम है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया असल में जो है वो इंसानी जिस्म का जो खुद शाख्ता जो है वो बिजली घर है, जिसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, जिसकी वजह से जो है वो हमारे जिस्म के अंदर वो इलेक्ट्रॉन का तबादला होता है और सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में इसको तब्दील कर देता है। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद अपना डीएनए होता है जो कि तमाम किस्म के कामों को सर अंजाम देता है। इस तरीके से जिस्म के अंदर बनने वाली एटीपी के सालमियात बनते हैं और ये एडीपी और एएमपी में तब्दील होते रहते हैं। इसी तरीके से हमारे जिस्म के अंदर रोजमर्रा काम के सर अंजाम देने में रोजाना काम बखूबी सर अंजाम दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जिस्म ग्लूकोज को बतौर ग्लाइकोजन जिगर के अंदर जमा करके इसका जखीरा कर लेता है। इसी तरह से चिकनाई का भी जखीरा हो जाता है और प्रोटीन का भी जखीरा होता है। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे कहते हैं, हम अपनी बायोकेमिस्ट्री की जुबान में जो हमारे डॉक्टर साहब की जुबान है, जो ग्लाइकोन्यूजेनेसिस होता है यानी कि ग्लूकोज नया बनता है और जिसकी वजह से ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लूकोज टूटता है, ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोन्यूजेनेसिस बनता है, प्रोटोलाइसिस होता है, प्रोटीन टूटते हैं, या के हमारे जो है वो लिपिड्स टूटते हैं, लिपोलाइसिस होता है। तो आपस में ये इस तरीके से जो है वो इंटरलिंक होते हैं, यानी कि ग्लूकोन्यूजेनेसिस बनता है और जिसकी वजह से जो है वो हमारे जिस्म के अंदर ये चीज़ें जो है वो आपस में इंटरलिंक तब्दील होती रहती हैं। इस हालत में हमारे जिस्म से जो फालतू मादा होता है ग्लाइकोन्यूजेनेसिस में, जिसकी वजह से चिकनाई से बनता रहता है। इसी तरह से प्रोटोलाइसिस की वजह से यानी प्रोटीन के टूटने से हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन के टूटने से हमारे जिस्म के अंदर अमीनो एसिड के अंदर डालकर ग्लूकोज बनाता है। इस तरीके से हमारे जिस्म के अंदर जो है वो पसंदीदा यानी कि ग्लूकोज बनता है और इसी हालत को मजीद जो है वो गजा ना मिलने की वजह से हमारे जिस्म के अंदर जितने भी प्रोटीन फालतू होते हैं वो भी टूट कर जो है वो ग्लूकोज में तब्दील हो जाते हैं, ग्लाइकोन्यूजेनेसिस बन जाता है, ग्लाइकोलाइसिस हो जाता है और इसी तरीके से जो है प्रोटोलाइसिस हो जाता है और लिपोलाइसिस हो जाता है। तो जब सबसे ज्यादा जो है वो बेहतरीन हरारे जो है यानी कि हरारत वो या ट्रांसपोर्ट चेन जिसमें जो है वो हरारत और हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीडेशन का अमल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जो हमारे फालतू उसमें तब्दील रहती है ग्लूकोज। बेहतरीन किस्म का जो है हमारे बॉडी के अंदर
नाम क्या हो? की रोजों के अंदर इंसानी जिस्म में काजमिक का निजाम तवानाई में तब्दील हो जाता है और निजाम भी कहते हैं यानी कि इसका पूरा जो है वो जिस्म को जो है वो कंट्रोल करता है। एच टी बी ए हमारे दिमाग के तीन अजा को यानी कि हाइपोथैलेमस को और इसी तरीके से हमारे जिस्म के हाइपोथैलेमस के साथ जो है पीनल एच बी ए इसी चीज से हाइपोथैलेमस और पी पीनल ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड तीन ग्लैंड पर ये मुश्तमिल होता है। ये दिमाग का नहायत अहम जुज है और हमारे जिस्म के अंदर जो है वो मुदाफती हाजमे के हार्मोन के निजामों मूड जज्बात और जिसकी ख्वाहिशें के लिए जो है वो बेहतरीन रवैये और तवानाई को का बाइस बनता है। तमाम निजाम के अफाल एक दूसरे से करीबी तल्लुक रखते हैं। यही वजह है कि हमारा मूड जब खराब होता है या हम परेशानी की हालत होते हैं तो हमारा कुछ खाने को जी नहीं चाहता और हम बेसोचे समझे गजा की तरफ लगते हैं। जब हमारा जिसम एटीपी के सालमियात को तवानाई कम हो जाती है तो ये खबर एच टीपी ए को ये मेहमर को पहुंचती है तो फिर एक हार्मोन जिसको जो है वो ग्रेलिन हार्मोन कहते हैं छोड़ना शुरू कर देता है जो भूख पैदा करता है जिसकी वजह से खाना खाने की तरह रगबत हो जाती है। हम पेट का भरकर फिर खा लेते हैं लिप्टिन तो इसका मतलब ये होता है कि इसको जो है वो तमाम खली सालमियत में तक दाखिल होगा कैल्शियम के अंदर जखीरा है वो भी इंसुलिन मगर एक खतरनाक किस्म की बीमारी जिसको डायबिटीज 2 कहते हैं में मुब्तला होने का चांस बढ़ जाते हैं। अगर इसे इंसान को अपना कसूर ही तसव्वुर किया जाता है कि इंसान बार बार खाता है जिसकी वजह खाने से वो मीठा खाता है और ये मीठा खाने से जो है वो लिहाजा आखिर इंसान को भूख लग जाती है फिर इंसान खाना खाना शुरू कर देता है। गजा जिसमें पहुंचने से कुदरती एच पी टी ए एक्सिस अपना काम जो है वो करना शुरू कर देता है और ग्लूकोज के टकाने लगाया जा सके। अब दिमाग के एटीपी ही सालमियात को ग्लूकोज में तब्दील करते रहते हैं। इस तरह से हजार में एटीपी सालमियात को बदस्तूर तवानाई में तब्दील करते रहते हैं। इंसान को बहुत कम हरकत करना होता है इसलिए ग्लूकोज की जरूरत नहीं होती। ऐसी सूरत में जो है वो ज्यादा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में तब्दील होता है जो हमारे जुगल के अजरात में जखीरा होता रहता है। इंसानी जिस्म में खास हद तक ग्लाइकोजन का जखीरा रख सकती है। इसके बाद जो है वो मुसलसल खाना खाने से इंसानी जिस्म की सरगर्मियां अंजाम जो देता है ग्लाइकोजन को जखीरा पूरा कर चुका होता है जिसकी वजह से ग्लूकोज की जो है वो चकनाई में डालकर जिस्म के अंदर जो है वो जखीरा होने लगता है। यही अमल मोटापे का बायस बनता है जिसकी वजह से अहम अज़ा यानी कि दिल गुर्दों को नुकसान पहुंचता है और इंसान के बाद औकात इंसुलिन की सही तरह से जज्ब नहीं होती। इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होनी शुरू जाती है यानी कि खुलियों के अंदर जो है वो सेल्स के अंदर
इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, जिसकी वजह से लवलवा इतनी ज्यादा इंसुलिन नहीं बनाता वो, बल्कि अपना जो है वो अपना आखिरकार अपना काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से डायबिटीज 1 पैदा होती है। ये हालत पैदाइशी तौर पर जन्म लेती है, तब टीके से इंसुलिन लेना पड़ती है ताकि खलियों को एटीपी सालमियात को ग्लूकोज जज्ब करके इंसान की रोजमर्रा कामों में जो है वो अहम सरंजाम दे सके। इसी तरीके से जो है वो जब ये सारा कुछ चल रहा है तो रोजे एक बेहतरीन किस्म के जो है वो नियमत, रोजों से हम जो है वो बहुत सा फायदा उठा सकते हैं और खास तौर पर रमजान मुबारक के अंदर जो है वो डायबिटीज से जो है वो वन से हम निजात हासिल कर सकते हैं। इनके बदल के अंदर ग्लूकोज इंसुलिन दोनों की मकदार घट जाती है। यूं अगर मरीज हिम्मत करके 30 रोजे रखे तो ये बेइज रही कि अल्लाह ताला इस नेमत से इंसान को डायबिटीज से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल हो सके। रोजे से बाहसियत हम निजामों को जानते हैं कि हमारा जब पेट खाली होता है तो हम जो है वो ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं। इस तरह से हमारे मेदा को, आंतों को, बड़ी आंत को, छोटी आंत को कम से कम काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम मुख्तलिफ किस्म के अमराज जैसे डायबिटीज, अमराज कलब और गुर्दों के अमराज और दीना बीमारियों से हम महफूज रह सकते हैं। ये कुदरत का बेहतरीन तोहफा है। हम भूख बेचैनी का इंतजार महसूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर जो है वो कुव्वत मुदाफ़त का निज़ाम होना शुरू हो जाता है हमारा दिमाग अपने आप को बेहतर महसूस की ताकत कुव्वत और जो है वो कुव्वत में इजाफा हो जाता है। इस तरीके से जब मुसलमान जो है वो 14 से 16 घंटे के रोजे रखते हैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा बेहतर महसूस करते हैं। जब इंसान 2-3 दिन कम से कम इस्तेमाल और इस तरीके से हमारे जिस्म के अंदर जो है वो नई ताकत, नई तवानाई और जुवेनाइलिटी जो है वो कहते हैं यानी कि आ जाती है। ये एक नई जवानी, नई हरारत और नया जोश, नया वलवला आता है। इसके बाद हम जो है वो रोजा खोलते वक्त के तौर पर के अंदर से कार्बोहाइड्रेट शामिल हो जाती है, तो गुजारी प्लान में हमारे अंदर जो है वो जो बूढ़ा होना लगता है उससे भी बच जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो गैर फितरी चीजें जो सिगरेट, नशा और इस किस्म की चीजों से वो परहेज कर लेता है, शराब नोशी से बच जाता है, बुराइयों से बच जाता है, जिसकी वजह से बहुत से अमराज से बच जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रोजे रखें। बीमार आदमी भी जो है वो रोजा रख के जो है वो अपने आप को तंदुरुस्त कर सकता है, कभी आजमा के देखे
हम जो है वो अंग्रेजों के पीछे लगे हुए हैं कि रोजा रखने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हमारे भाई अक्सर कहते हैं कि तुम रोजा रखने से ऐसे हो जाएगा, तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं जो है वो बड़े अच्छे से रोजा रख रहा हूँ और आज तक कभी जो है वो रोजा के अंदर खासतौर पर बीमार नहीं हुआ। है इससे तमाम लोग फायदा उठाए कि कुरान पाक के अंदर तो एक ही आयत जो है वो पकड़ू वश्रुबु, तो आपने खाओ जब किया गया है ये सूरत आ गया है। इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि रोजा जो है वो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा ताकत और तवानाई मुहैया करता है, हमारे जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम को बेहतर करता है, डायबिटीज से निजात हासिल करने में एक अहम किरदार अदा करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में एक अहम किरदार अदा करता है, हमारे जिस्म की चिकनाई को जज्ब करने में उसको जो स्टीरोल में तब्दील करने में कार्टिकोस्टेरोल में तब्दील करने में एक अहम किरदार अदा करता है, बी सेल टी सेल पैदा करने में एक अहम किरदार करता है, डब्ल्यू सी बढ़ाने में जो है वो एक अहम किरदार अदा करता है, और रोज़ा जो है वो हमारे जिस्म के अंदर एक शफा बख्श जो है वो बाइस होता है। ख़ासतौर पर हमें रूहानी सुकून मिलता है जब हम रोज़ा रखते हैं, रोज़े से हमें जो है वो जिस्मानी सुकून मिलता है, रोज़े से हमारे जिस्म का सदका और ज़कात निकल जाता है, तो जिसकी वजह से जो है वो हमारा जिस्म जो है वो ताकत और तवानाई का एक सचश्मा हो जाता है। जो जो लोग रोजे रखते हैं वो अपने आप को रोजों के बाद देखें तो अपने आप को एक्टिव और बेहतरीन महसूस करेंगे, जबकि रोजों से पहले वो थक जाते हैं, रोजों के बाद वो थकते नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें जो है 36-37 रकातों की तौफीक भी अता फरमाते हैं ईशा की नमाज के वक्त और 5 वक्त की नमाजों के तक जो है वो के साथ साथ हमारे जिस्म के अंदर जो है वो ताकत तो हो तवानाई और हमें रूहानी सुकून जो है वो मुयसर होता है। तो अल्लाह ताला हमें जो है रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए और हम जो है वो इस्लाम के हर पहलू के ऊपर चलकर अपने आप को बेहतर महसूस करें। अल्लाह ताला जो है वो हमारे लिए बेहतरीन चीजें जो है पैदा करता है, क्योंकि खलक कल इंसान अपनी आसानी तकरीब, अल्लाह ताला ने इंसान को उस वक्त पैदा किया जब इंसान जो है वो अल्लाह ताला बेहतरीन मखलूक बना रहा था, तो अल्लाह ताला ने रोजे हम पर फर्ज कर दिए गए, तो इसलिए जब किसी चीज पर फर्ज कर दिए गए या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन सको। परहेजगारी का मतलब यही है कि हम जो है वो परहेज से खाना खाए, परहेज से रहे, और हमारे सेहत के लिए जो है वो रोजा बहुत ही मुफीद है। तो अल्लाह ताला हमें जो है वो रोजा रखने भी की और इस पर अमल करने की और इसको कबूल करने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। तमाम दोस्तों जो है वो दोस्त कोशिश करें कि वो रोजे को जो है वो तमाम मरीजों के अंदर जो है मकबूल करें, ताकि जो है वो रोजा कभी जो है वो किसी मरीज को नुकसान नहीं मिल जाता बल्कि मरीजों को फायदा करता है। बहुत से अमराज जो है गुर्दों के अमराज में जो है वो फायदा करता है, जिसकी वजह से जो है वो गुर्दों को कम काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से गुर्दे के अमराज जो है वो कम हो जाते हैं। इसी तरीके से जो है वो हमारे जिगर को कम काम करना पड़ता है, मैदा को अल्तों को कम काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से जब किसी चीज में वक्फा आ जाता है उसको रेस्ट मिल जाती है तो वो अपने आप जिंदगी में इजाफा कर लेता है। इसी तरीके से हमारा ब्रेन ज्यादा एक्टिव हो जाता है क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा ताकत और तवानाई जो है मिलती है, उसकी सोच बेहतर हो जाती है। इस तरह से अल्लाह की तरफ लगाव करके जो है वो इंसान दूसरों की भूख को महसूस करता है और खास तौर पर जो है पतराला दे के जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपने आप को सुकून महसूस करता है। रोजा जो है वो ना सिर्फ जिस्म की गजा है बल्कि रूह की भी गजा है, जिसकी वजह से हमें जो है वो रोजों को अपनाना चाहिए और रोजों को रखना चाहिए। तो रोजे जो है वो ना सिर्फ जो है वो हमें हमारे सबको ताकत देते हैं बल्कि हमारे सबकी कुव्वत और ताकत को भी जो है वो बहाल करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं।
اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور ہمارے ذہنوں کو کھولنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا, میرے بھائیوں اور دوستوں کا. میں روز کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے وہ آپ سے مخاطب ہونے کا, کچھ نیٹ کی پرابلم یا کچھ اور وجوہات کی وجہ سے جو ہے وہ ہم آپ سے مخاطب نہیں ہو سکے تھے, جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. تو ان شاء اللہ جو ہے روزوں کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے ہم, تو جس کے روزوں کے بہت سے اور بھی فوائد ہیں, ہم ان کو جو ہے وہ ڈیلی جو ہے کوشش کریں گے, جتنے دن جو ہے وہ باقی ہے تو اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کا, میرے دوستوں اور بھائیوں کا. ہاں جی بول تو سن سر. اچھا دوائی لاؤ تو ٹھیک ہو جائے گا, باقی پاؤڈر چھوڑے گا سارا کوئی تو نہیں, سارا کی دوائیاں نہ بتا رہے. ہاں جی پتا نہیں, اچھی نہیں جانتے, اچھی پاؤڈر والے نہیں جانتے, وہ لوگ نہیں جانتے. ہاں اسلام قبول جی بالکل اللہ کا شکر ہے, اچھے تعلقات سارے رہے جی. ہفتے اللہ بہتر کر دے گا ان شاء اللہ, سیٹ ہو جائے گا. صاحب ذرا ٹینشن ہے, اتنے کئی عجیب قسم کی ٹینشن ہے, اتنے وہ ٹینشن نہیں ہے, ਇੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾ, ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਇਆ. ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਫੜ ਲਓ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਰੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਸੌ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ. چلو بڑا اچھا ہو گیا, جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ صحیح جی 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 ٹھیک سمجھ آ رہی ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈਟ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਜੀ ਬਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਕੁਛ ਵੀ ਨੀ ਪ੍ਰਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੋਰ ਉੱਥੇ تسلی ملتی ہے اور کچھ بھی نہیں.
वो सर जी 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 बड़ा अच्छा की तरह पैदा भी है जी 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 बड़ा अच्छा हो रहा है तेरा शुक्र अल्लाह का जी जी दसा सब कुछ दसा सब कुछ दस के गया तो बह के गया हाँ जी शुक्र जी जी अच्छी गल ठीक है ठीक अच्छा 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 जी जी मैं समझ गया ठीक हो जाएगा जी ठीक हो जाएगा तो मैं आती हूँ मेडिसिन दवाई लगा रहा हूँ ठीक इन खाओ ठीक हो गया बड़ा अच्छा किया तुमने मगर खाओ अच्छा सुबह भी कच्ची लस्सी ना शाम में कच्ची लस्सी ठीक जिन्ना तो शाम का हुआ है ना थोड़ी जल्दी फायदा हो जाएगा उन्हें जल्दी फायदा ठीक अल्लाह कहते हैं पीछे से छिड़का भी पाया ना जबरदस्त हाँ मैंने बुलाओ आओ जी जी जबरदस्त अच्छा ही था उन शहर को गया ना बड़े तो छोटे माशाल्लाह ये अच्छा अच्छा बाद में क्यों मेरे शहर को जी 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 हाँ जी कोई कुड़ी नहीं कुड़ी माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त कोई कुड़ी नहीं कुड़ी चलो बड़ा अच्छा हो जाएगा फिर छोटे से खराब पिता हम खा रहे हैं अल्लाह का और वो जी दे और का है ना अब